हेलो फ्रेंड फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर पासवर्ड को लगाते हैं ताकि हमारी फाइल का कोई दूसरी ना खो सके। जैसे हम लोग कोई एमएस एक्सेल के अंदर फाइल बनाते हैं, उसको फिर सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ताकि उसे कोई दूसरा ना खोले उस पर हम पासवर्ड लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे फ्रेंड आपको, ठीक है फ्रेंड। तो आप पूरा वीडियो देखिए, और छोटा सा वीडियो है जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम पासवर्ड लगाते हैं एक्सेल फाइल के अंदर, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग एक्सेल के अंदर पासवर्ड लगाते हैं। मैंने एक्सेल में एक सीट बना रखी है, और मान लेते हैं कि इस सीट को हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी इसको ओन न करे, कोई दूसरा पर्सन इसको ओन न करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको पहले सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे प्रीपेयर में जाएंगे और इस पर पासवर्ड लगा देंगे फ्रेंड, पर इस पर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से हम इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीका है। क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पे जैसे हमने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4, और इसको ओके कर देना फ्रेंड, ठीक है। फिर दोबारा पूछेगा 1 2 3 4, और इसको ओके कर देंगे। फिर इसे क्लोज कर देंगे और इसे यस कर देंगे। अब जैसे हम दोबारा खोलेंगे इसको, तो ये बिना पासवर्ड का ओपन नहीं होगा, और जो पासवर्ड हमने डाला है वही पासवर्ड से ये खुलेगा, ठीक है। फ्रेंड मांग रहा पासवर्ड, तो 1 2 3 4 ये डाल दिया हमने, इसको ओपन कर दिया। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रीपेयर और उसके बाद इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। आप चाहो तो इसको पूरा मिटा दो, और उसके बाद ये पासवर्ड हट जाएगा यहाँ से। ओके करेंगे तो ये आप पासवर्ड बिना पासवर्ड का भी खुल जाएगा फ्रेंड। इसे क्लोज करेंगे, इसको ओके करेंगे, दोबारा खोलेंगे तो ये यहाँ से बिना पासवर्ड का भी ओपन हो गया। आप चाहो तो उसको बदल भी सकते थे हम फ्रेंड, दोबारा यहाँ पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 दोबारा लगा दिया, इसको ओके कर दिया, फिर 1 2 3 4 और इसको ओके करके सेव कर देना है, और क्लोज। फिर उसके बाद दोबारा खोलेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, पहले इसको हम लोग क्लिक करके खोलेंगे, ओपन करेंगे, और दोबारा उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस बार हम लोग इसको हटाएंगे नहीं, चेंज करेंगे। तो इस पासवर्ड को यहाँ से हम चेंज करते हैं, इसको हटा के। उसके बाद यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9000, और इसको ओके कर देता हूँ 9000। अब इसे क्लोज करेंगे तो ये अब ओपन नहीं होगा 1 2 3 से फ्रेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 1 2 3 4, ओके करूँगा तो ये ओपन नहीं हो रहा फ्रेंड, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो ये वहीं से होगा फ्रेंड, ठीक है। फिर दोबारा हम क्लोज कर सकते हैं, या यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और इसको फिर दोबारा खोलेंगे, जो पासवर्ड मैंने चेंज किया था उसको डालेंगे तो ये तुरंत खुल जाएगा फ्रेंड, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। तो ये इस तरह से हम लोग किस तरह से एक्सेल के अंदर पासवर्ड लगाते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। और ये जो सैलरी स्लिप बनाया था, इससे पहले वाला वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है मैंने, और इसके लास्ट वीडियो के लास्ट में भी इसके वीडियो आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड। और भी हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू सो मच।